हेलो जहान दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ अग्निवीर जीडी टेडमैन क्लार्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका 2018-19 में पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। जिस बंदा को 13 नवम्बर 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, वहाँ पर 100% यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आ गया, मिनिमम एज फॉर गवर्नर का दिया हुआ था, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख लीजिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, बता दीजिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 35 ईयर होना चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। बाहर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, आपका कुवैत का कैपिटल पूछा गया, इसीलिए आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह ध्यान दीजिए। तो दोस्तों कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजधानी क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो काबुल है अफगानिस्तान का राजधानी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया। देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन टू होगा सही आंसर, जो लोटस होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून इज द डैश ऑफ अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का डैश क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो सैटेलाइट है उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2019 में, वही आपका 2 ईयर का क्वेश्चन आपका बीच बीच से उठाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। तो दोस्तों विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो चीन चाइना होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार मीनार सिचुएटेड इन। देख लीजिए चार मीनार कहाँ पर स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। देख लीजिए मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करती है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा चुनो, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन टू को चुना था बहुत ही अच्छा, जो आपका गवर्नर राज्यपाल चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति करती है, टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रश्न पत्र आपका ज़्यादा से पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही अच्छा पसंद आए डेली के डेली क्वेश्चन चाहे तो मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ इस्टेब्लिश्ड हुई चेयर। देख लीजिए यूएनओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो यूएनओ का इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1945 में हुआ था यूएनओ का इस्टेब्लिश्ड स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर से सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपका, लार्जेस्ट आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा नदी कौन सा है, वो भी आ गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन दे दिया, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है। तो दोस्तों लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, देख लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है। तो दोस्तों चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो एंजल फॉल्स होगा सही आंसर, एंजल जलप्रपात होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका 16 अक्टूबर एग्जाम में, द लज्जा का लेखक कौन था।
तो दोस्तों वहाँ पे वही आया था, लेकिन यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट इनी अकबरी, देख लीजिए इनी अकबरी किसने लिखा बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो अबुल फजल ने लिखा था द इनी अकबरी नामक पुस्तक, और आपका गोरा नामक पुस्तक जो लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, गीतांजलि लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पार्टिशनेबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, देख लीजिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, देख लीजिए बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन चुनिए, जिस बंदा ऑप्शन 3 को चुना था बहुत ही अच्छा, जो लॉर्ड कर्जन होगा सही आंसर, यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, आपका पहले जो 16 अक्टूबर का अग्निवीर का एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपका आया था कैपिटल ऑफ कुवैत, कैपिटल ऑफ झारखंड यही आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया इसलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। तो दोस्तों चार ऑप्शन में जो बंदा ऑप्शन 3 को चुना, देहरादून चुना, उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, देख लीजिए राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों जिस बंदा ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 6 ईयर होगा सही आंसर, 6 वर्ष राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड व्हिच स्टेट, देख लीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 2 को चुना उसका बहुत ही अच्छा आंसर चुना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, देख लीजिए तांबा का गलनांक कितना होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कॉपर का, जो तांबा का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, देख लीजिए आपका पहले आपका बाल दिवस कब मनाता है, चाइल्ड डे कब मनाता है, ये आया था इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया इसीलिए दे दिया। तो दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, देख लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, आपका 16 अक्टूबर में पूछा गया था अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, यही वो 1961 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो आपका कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य, प्रशिक्षण को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 2 को चुना बहुत ही अच्छा, जो 1914 में हुआ था पहले युद्ध वर्ल्ड वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक बात हम बता देता हूँ, आपका एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप जितने भी पढ़ लो, आप PBRCR का क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम कभी भी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आपका जो PBRCR में पूछा गया 2050 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था ये आप अच्छा तरह पढ़ लिया तो यहाँ से ही आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा तरह आप PBRCR का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2050 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था वो हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो, जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके 5 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपका ईआरओ का, चाहे आप ईआरओ औरंगाबाद से हो, चाहे आप ईआरओ नारंगी से हो, चाहे आप दिशपुर
श्रीनगर कोई भी एयरो से हो, एयरो बेंगलुरु, बेंगलुरु कोई भी एयरो से हो, हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। मैं दिखा देता हूँ किस तरह हमारा पीडीएफ है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका एयरो बेलगांव का क्वेश्चन है, जनरल ड्यूटी का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया इसका अंदर है, एयरो बेलगांव का देख लीजिए, जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, देख लीजिए 1200-1300 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों किस तरह क्वेश्चन पूछा गया मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया, सभी ये इस तरह बना दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा 13 नवंबर और आपका 15 जनवरी का जिस बंदा का एग्जाम है जरूर ले लीजिए, जस्ट 89 रुपया में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बात है ये, आप अच्छा तरह पढ़ के जाओ यहाँ से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस बंदा ले लिया अच्छा तरह पढ़ाई करो, जिस बंदा नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले लीजिए, कॉल टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में कॉल कीजिए और ले लीजिए, आपका पेमेंट का 10 मिनट के अंदर ही आपका पास चला जाएगा, व्हाट्सएप में सेंड कराया जाएगा आपको। तो दोस्तों जरूर फ़ोन करके ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वंदे मातरम टेक फ्रॉम व्हिच बुक, देख लीजिए वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना तो बहुत अच्छा, जो आनंद मठ से उठाया गया बंकम वंदे मातरम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाईएस्ट डेंसिटी, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, आपका आने वाला एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में किस तरल का घनत्व ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा सही आंसर, जो आपका पारा मरकरी होगा सही आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, आपका 13 नवंबर और 15 जनवरी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिस बंदा पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसी नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल टाइम अवेलेबल है, पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही आपका व्हाट्सएप में चला जाएगा, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा, जरूर ले लीजिए और पीडीएफ 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए, थैंक यू, जय हिंद।